एक्सरसाइज गुड मॉर्निंग बच्चों, एक्सरसाइज 5.5 आप अभाज्य गुणनखंड विधि और विभाजन विधि दो विधियां पढ़ चुके थे तुम लोग। आप कुछ इसी में से अंकित प्रश्न देखिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 24, 32, 36 से पूर्णतया विभाजित हो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 24, 32 और 36 से विभाजित हो। तो पहले 15, 20, 24, 32, 36 का लाशा निकालेंगे। तीसरा नंबर देखिए, 15, 20, 24, 32, 36, 15, 20, 24, 32 और 36 का लाशा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाशा 15, 20, 24, 32, 36 का लाशा निकालेंगे सबसे पहले। तो दो से पहले, सबसे पहले दो से देखते हैं। देखिए दो दो यहाँ 15, क्योंकि दो से 15 नहीं कटेगा। फिर 20 का आधा 10 हो जाता है। दो से काटने का मतलब आधा करना, 20 का आधा क्या हो गया 10। फिर इसके बाद फिर दो से 12 हो गया, फिर दो से 16, फिर दो से 18, अब पुनः दो से। दो से जब तक कटेगी तब तक दो से काटते रहेंगे। तो दो से 15, फिर 5 बचे 10, फिर 6 12, फिर 2 16, फिर 2 18, फिर 2 15, 5 छानवे हो। अब छान देने फिर से 3 का गुणा कर दो,
288 फिर 288 गुणे 5 5 के 40 5 के 40 4 44 5 के 10 4 14 1440 अगर डायरेक्ट आ जाए तो कोई बात नहीं लेकिन इस तरह गुणा कर लो ठीक है तो 15 20 24 32 36 का राशि निकालेंगे तो 2 से पहले काटेंगे 15 आया फिर 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आ गया फिर 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आया फिर 2 से 32 को काटेंगे तो 16 आया फिर 36 को काटेंगे तो 18 आया फिर 2 से तो 2 से 15 काटेंगे तो 15 आया 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आया 2 से 12 काटेंगे तो 6 आया 2 से 16 काटेंगे तो 8 आया और 2 से 18 काटेंगे 9 आया फिर 2 से 2 से 15 काटेंगे 15 आया यही आएगा फिर 2 से 5 काटेंगे 5 आया फिर 2 से 6 काटेंगे द्वितीय 6 फिर दूसरों को 8 और ये 9 फिर 2 से कोई नहीं कटेगा देखिए इसमें 4 कटेगा केवल और सब उसी तरह उतार देंगे 15 फिर 5 फिर 3 दूनी 4 9 आप इस लाइन में 2 से कोई नहीं कटेगा केवल 2 कटेगा तो सब का उतार देंगे 15 5 3 और ये देखते 2 1 9 ठीक अब 3 से काटेंगे 3 5 15 5 फिर 1 3 को 9 आप 3 से 3 5 15 फिर 5 यहां 3 1 3 के 3 1 3 को 9 आप फिर से 3 से 5 फिर 5 फिर 1 फिर 1 यहां 3 के 3 फिर 5 से 5 के 5 5 के 5 फिर 1 1 1 तो इस तरह से जब तक 1 ना आ जाए हर संख्या के नीचे तब तक काट के चले जाए देखेंगे लाशा बराबर 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 5 बार 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार फिर 3 कितनी बार आया 2 बार 1 2 3 2 बार फिर इसके बाद 5 अब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 का मान पार नहीं आता तो 32 में 3 का गुणा किया 32 दिया 96 हुआ फिर 96 में फिर से 3 का गुणा किया तो 288 आया फिर 288 में 5 का गुणा किया तो 1440 वो संख्या हो गई 1440 वो संख्या हो गई 1440 ऐसी संख्या होगी जो 15, 20, 24, 32 और 36 से पूर्णतया विभाजित होगी समझ में आया लाशा ही वो संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित होती है ठीक है अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो जब इस तरह के सवाल कोई भी आ जाए तो क्या करेंगे पहले इनका लाशा निकाल लेंगे तो 5 6 7 8 का लाशा निकालेंगे 5 6 7 और 8 का लाशा 5 6 7 8 का पहले सबसे पहले लाशा निकालेंगे तो कैसे कटेगा 2 0
छः, फिर इसके बाद सात, फिर दूसरों को आठ, फिर दो पांच, तीन, सात, इसी तरह दूनी चार, फिर दो पांच, फिर तीन, फिर चार, फिर यहां एक, अब तीन से पांच, एक, सात, एक, अब इसके बाद पांच, एक, एक, सात, एक, और फिर इसके बाद सात से एक, 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 देखिए पहले सबसे पहले दो से देखेंगे, तो दो से केवल छह कटेगा और सब उसी तरह निकाल लेंगे, पांच यहाँ दो तीन छह आया, सात आठ को काटा तो दो चौक आठ, ये आठ भी कट जाएगा दो से, फिर दो से पांच इसी तरह उतारा, तीन इसी तरह उतारा, सात इसी तरह उतारा, चार काट गया दो दूनी चार, फिर दो से तो दो से अब केवल दो कटेगा, पांच इसी तरह उतार लिया, तीन इसी तरह उतार लिया, चार इसी तरह उतार लिया, दो इक्के दो, अब तीन से तो पांच इसी तरह उतारा, तीन इक्के तीन, चार इसी तरह उतारा एक, अब पांच, पांच इसी तरह पांच इक्के पांच एक, फिर एक इसी तरह सात इसी तरह उतार लिया, एक इसी तरह उतार लिया, अब सात से सात इक्के सात, तो राशि बराबर आया दो, कितनी बार आया एक दो तीन, तीन बार, तो दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन कितनी बार आया एक बार, तीन गुणे पांच कितनी बार आया एक बार, और गुणे चार, दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पांच गुणे चार, दुगुनी चार, चार दुनी आठ, आठ तीन चौबीस, पंच एक सौ बीस, सत्ते एक सौ बीस में सात गुणा कर दो, एक सौ बीस गुणे चार बराबर आठ सौ चालीस, संख्या ही आठ सौ चालीस, पर कहता प्रत्येक दशा में पांच शेष बचे, तो आठ सौ चालीस प्लस पांच बराबर आठ सौ पैंतालीस, वो संख्या, वो संख्या होगी आठ सौ पैंतालीस, वो संख्या होगी जिसमें प्रत्येक दशा में पांच शेष बचे, फिर से देखिए पांच छह सात आठ का लाश निकालेंगे, तो दो से छह और आठ कटा तो तीन छह तो चौको आठ, फिर दो से काटा तो केवल दूनी चार आया, फिर दो से काटा एक आया, और सब उसी तरह उतार के चले जाएंगे, फिर तीन से काटेंगे तो पांच तीन एक के तीन सात एक, फिर पांच से काटेंगे पांच एक के पांच, फिर कोई नहीं कटेगा एक, फिर सात से काटेंगे तो इस तरह से दो तीन बार आया, तीन एक बार, पांच एक बार और सात एक बार, तो दूनी चार दूनी आठ दूनी चौबीस, चौबीस पंचे एक सौ बीस हुआ, एक सौ बीस में सात का गुणा करो तो आठ सौ चालीस हो गया, अब कहता है प्रत्येक दशा में पांच शेष बचे, इसलिए आठ सौ चालीस में पांच जोड़ दिया, तो आठ सौ पैंतालीस वह संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी आठ सौ पैंतालीस वह संख्या होगी।